जी इस वक्त हम लालिया में हैं और लालिया की वजह शोरत बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जो चारपाई के पाए हैं ये भी यहाँ की वजह शोरत है और पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जाते हैं और मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइन हैं और ख़ास तौर पे लोग यहाँ से ये ले जाते हैं और बच्चियों को अपनी प्यारियों को जहेज में ये देते हैं और काफ़ी मशहूर है और यहाँ की लकड़ी के ऊपर ये बारीक काम होता है। अगर कैमरा आपको दिखा सकता है तो इसमें बहुत ही पुख्ता रंगों के उन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए और ये कई किस्म के मुख्त डिज़ाइन के हैं और हर उस पर जो ये है उसके ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन दूसरे से सिमिलर बिल्कुल नहीं है और ये बड़ा आर्ट का एक काम है। ये देखें इसका डिज़ाइन भी और है और इसके ऊपर जो पेंटिंग की गई है वो भी है और ये इस पेंट का ये है कि ये पुख्ता कलर हैं और ये बारिश और धूप में इसमें रेजिस्टेंस है और ये कई कई साल चलते हैं। और रात को मैंने एक घर में एक चारपाई देखी जो मेरे जो होस्ट थे उन्होंने मुझे बताया कि ये 100 ईयर ओल्ड चारपाई है और वो उन्होंने बताया कि ये मेरी दादी अम्मा के जहेज की चारपाई थी और उसके ऊपर स्टिल अभी तक उसका जो पेंट था और जो डिज़ाइन थे वो स्टिल मौजूद थे। इस वक्त हम लालिया में हैं और लालिया की जो वजह शोरत है यहाँ के बड़े ट्रेडिशनल हुक्के हैं और जो सदियों से यहाँ का कल्चर भी है और तैयार होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैंने यहाँ के प्राइस सुन के बड़ी मुझे हैरत हुई और यहाँ ये तांबे के, पीतल के और उसके ऊपर सिल्वर के और उसके ऊपर एनग्रेविंग हुई हुई है और चिलम हो गई और ये पाइप्स हो गए। ये देखें ये डिफरेंट डिज़ाइन के और डिफरेंट साइज़ और इस पे चमड़े का काम भी हुआ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कढ़ाई का काम भी हुआ हुआ है। तो ये सारी शौक़ की बात है और ये पूरे पाकिस्तान में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से हुक्के ख़रीद के जाते हैं और क्योंकि पंजाब का ख़ास तौर पे एक कल्चर है कि डेरे पे चारपाइयाँ डली होती हैं, लोग आते हैं, बैठते हैं और गप्पे लगाते हैं और अपने मसाइल और अपनी बातें शेयर करते हैं और साथ ही जो है ना यहाँ का कल्चर है कि चिलम उसको ताज़ा करके लाते हैं और हुक्का सारे जो है ना हुक्का पीते हैं। हम अभी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, आपको लालिया की सैर कराते हैं लेकिन उससे पहले मैं हुक्के का थोड़ा जो एक कश ले लवा। जी इस वक्त हम लालिया में हैं और लालिया की जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी चीज़ें लालिया की मशहूर हैं, यहाँ के चारपाई और उसके पाए जो हैं वो हो गए और यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हुक्के यहाँ के मशहूर हैं और साथ साथ यहाँ के खुस्से भी मशहूर हैं और काफ़ी महंगे हैं यहाँ और ये तैयार करने में कई दिन लगते हैं और यहाँ के खुस्से पूरे पाकिस्तान में जाते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ से लेने आते हैं और यहाँ चंद कारीगर हैं जिन्होंने अपने ये अपनी सकाफत को ज़िंदा किया हुआ है और वो नस्ल दर नस्ल कई पुश्तों से ये काम कर रहे हैं। और आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये अभी तैयार हो रहा है खुसा और ये मुनफरद एक डिज़ाइन है जो लालिया का एक प्रोमिनेंट है। ये आपको मुल्तान या दीगर इलाकों में आपको इस तरह के खुसा नहीं मिलेगा और ये टोटल हैंडमेड है और इसके ऊपर देखें कढ़ाई का काम बड़ी नफासत से किया गया है, बहुत ही खूबसूरत। जब भी आप लालिया आएँ और यहाँ से खुसे ज़रूर आप लेकर जाएं।
थैंक यू। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, आपको दिखाते हैं लालियां और इसके सराउंडिंग की जगह।